नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रतिका। इस समय मैं रूपनगर के सेक्टर 6 में हूं, जहां पर आज सुबह से ही डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, यानी कि जेडीए की ओर से यहां बोर्ड लगा दिया गया है कि ये लैंड जो है वो जेडीए को बिलोंग करती है और यहां पर जितने भी लोगों ने घर बनाए थे उन सभी को डिमोलिश किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये घर जो है वो बिल्कुल इलीगल है। तो इस समय आप देखिए कि जितने भी जेडीए से अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है, सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई भी परेशानी जो है वो यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव में नहीं आए। क्योंकि ये तस्वीरें आप लोग इस समय देख रहे हैं कि जो घर के लोग हैं उनका सामान यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और इन्हें जो है वो कह दिया गया है घर को अपने सामान जो है वो निकाल दिया था, क्योंकि इस घर को जो है वो तोड़ा जाएगा, पूरी तरह से डिमोलिश किया जाएगा। ये लोग, कुछ घर के परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस समय काफ़ी रोते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय इनकी सिचुएशन ये है कि कुछ लोग तो इस मारे कि अब उनके इस डर से कि अब उनके सिर से जो है वो छत जा रही है, अपनी मेहनत करके जो उन्होंने अपने एक छोटे से घर का आशियाना बनाया था वो आशियाना अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ मंजर यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ हुआ यहाँ पर, जो अधिकारी सुबह से आया, क्या बातचीत हुई है? बच्चा बीमार है तो मर जाएगा, तो मर जाएंगे। गवर्नमेंट राजी है, गवर्नमेंट मर जाएंगे, गवर्नमेंट राजी है ना? ये बताओ, गवर्नमेंट सही है ना? ये गवर्नमेंट हमको सेट करने की जगह नहीं दे सकती, बोल लेने वाले आ जाते हैं। यहाँ पर जिनका ये घर है उनकी सिचुएशन अभी इस समय सही नहीं है कि उनके सिर से जो है वो छत चली गई है। बीमार लोग हैं इनके घर के, उन सभी कुछ तस्वीरें जो है आप इस समय यहाँ से देख रहे हैं कि लोगों की सिचुएशन इस समय सही नहीं है। उनके सर से छत जो है वो छीन ली गई है। आज सुबह से ही रूपनगर में ये कुछ मंजर देखने को मिल रहा है कि घर परिवार के जितने लोग हैं वो बीमार भी हैं। और आप देखिए इस समय कि इनके परिवार में जो एक सदस्य हैं उनके इस समय क्या हालत है, कि ये जो मंजर देखते हुए उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि उनकी लगातार बॉडी शिवर कर रही है। जो भी मौजूद हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी यहाँ तैनात किया गया है ताकि लोगों का फायदा है। कुछ कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट ऐसी पागल जगह है, 80-85 साल के रह रहे हैं तो कहाँ गवर्नमेंट से बोलना था ना हमको, क्यों मकान बना रहे हो? इनके घर के जो व्यक्ति हैं वो फिलहाल बीमार हैं और जिस तरह से ये मंजर ये है कि इनके सर से छत जो है वो छीन ली गई है। फिलहाल अधिकारी जो यहाँ मौजूद थे उनकी तबीयत को खराब देखते हुए यहाँ से लेते जाने के लिए आए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिलहाल इनके घर के व्यक्ति हैं जो बीमार हैं और यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है जहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा। और काफ़ी लंबा समय हो गया है, यानी कि इनका कहना है कि लगभग 80 से 85
साल इन्हें यहाँ पर हो गए हैं, ये लोग यहीं पर रह रहे हैं। अधिकारियों ने तब इन्हें क्यों नहीं कहा जब इनका घर परिवार यहाँ पर पूरी तरह से सेटल हो गया, इन्होंने अपना घर यहाँ बना लिया जिसमें ये पूरा परिवार रहता था, तब अधिकारियों ने इस बारे में इन्हें सूचना क्यों नहीं दी ताकि ये अपना घर यहाँ नहीं बल्कि कहीं और जाकर बनाते। इनके घर के व्यक्ति जो है वो सभी सदस्य फिलहाल इस समय इस ट्रॉमा से ही है कि आखिरकार अब जाएंगे कहाँ पे। इनकी ओर से ये भी कहा गया कि हमें 4-5 दिन की मोहलत भी दी जाए, लेकिन अधिकारियों की ओर से जो है इन्हें कोई मोहलत नहीं दी गई है और इन्हें कह दिया गया है कि ये घर जो है वो बिल्कुल यहाँ से हटा दिया जाएगा। और घर परिवार के जितने लोग हैं फिलहाल इस समय बाहर हैं और उनका सामान जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल जेडी के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जेसीबी भी है और अब कुछ ही चंद मिनटों में जिनका इतने लंबे समय से मेहनत करके जो इन लोगों ने अपना घर बनाया था अब इसे चंद मिनटों में गिरा दिया जाएगा। आप वो भी कवर करो ना, ये चीजें भी दिखाओ ना। घर परिवार के कुछ लोग हैं जो कि इस घर में काफी लंबे समय से रह रहे थे, तो इन लोगों को जो है वो इनके घर में जाने से रोका जा रहा है क्योंकि इस समय जेसीबी यहाँ मौजूद है और जेडीए के जितने अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इस घर को अब डीमोलिश करना है। आपको
जो है लोगों का फिलहाल इस पे पीला पंजा चला दिया गया है और इस घर को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। परिवार वाले जो है इस समय काफ़ी सदमे में है और इस चीज़ को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनका यही कहना है कि अगर हम इतने सालों से यहाँ रह रहे थे तब क्यों अधिकारियों ने हम यहाँ रहने से मना किया। तो ये तस्वीरें जो है लगातार आप लाइव रूपनगर से देख रहे हैं। सेक्टर 6 में ये घर है और यहाँ के लोग जो है वो कुछ लोग बीमार हैं और उन्हें अस्पताल लेके जाया गया। और ये कुछ आवाज़ें आप सुन रहे हैं, इनके घर को जो है वो पूरी तरह से डिमोलिश किया जा रहा है, यानी कि अब इस घर को गिरा दिया जाएगा। और फिलहाल जो इनके घर के सदस्य हैं, जिनकी मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये लेडी इस समय प्रेग्नेंट है, एक प्रेग्नेंट लेडी जिसके सर से जो है वो अब एक कुछ मिनटों में ही छत चली गई है। और एक व्यक्ति जो इसी परिवार के हैं उनको कैंसर है, जिसे अधिकारियों की ओर से यहाँ पर जो सुरक्षा बल तैनात है उनकी ओर से अस्पताल इलाज करवाने लेके जाया गया है, क्योंकि वो कैंसर के पेशेंट है। और जिस तरह से उन्हें ये सिचुएशंस देखने को मिली है वो उनकी सिचुएशन जो है वो काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी। ये पूरा घर जो आप देख रहे हैं चंद मिनटों में जो है ये बिल्कुल एक मिट्टी का ढेर बन जाएगा, जिसमें इनका पूरा आशियाना, पूरे जो सपने थे घर के वो पूरे यहाँ पर समा जाएंगे, क्योंकि जैसे भी चलना शुरू हो चुका है, पीछे के पोर्शन को घर के बिल्कुल डिमोलिश कर दिया गया है और अब इस पूरे घर को कुछ मिनटों में ही डिमोलिश कर दिया जाएगा। यानी कि एक पूरी ज़िंदगी, एक अरसा लग गया, जैसे इनका कहना है कि हमें 80 साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए, एक ज़िंदगी पूरी लग गई इस घर को बनाने में, अपनी कमाई जो है वो पूरी यहाँ पर लगा दी। ये लेडी जो फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं इसी परिवार की है, जो कि इस समय प्रेग्नेंट भी हैं। हाँ
तस्वीरें जो हैं वो आप लगातार रूपनगर से देख रहे हैं, जहाँ पे ये सिचुएशन जो है वो इस समय सही नहीं है, क्योंकि घर परिवार वाले जितने भी लोग हैं वो इस समय बीमार हैं और उनका जो घर है, जो आशियाना है, वो चंद ही पलों में यूँ टूट कर बिखर गया है। और तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई हैं, मैं आपको फिर आगे ले चलती हूँ जहाँ पे जेसीबी चला दी गई है इनके घर पे, और इनका घर जो है वो फिलहाल इस समय पूरे तरीके से डिमोलिश कर दिया जाएगा। अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और ये लगातार सिलसिला जो है वो आज सुबह से ही चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए कि इनके घर पे जो है जेसीबी चला दी गई थी और ये ऐसा कुछ मंजर देखने को मिला था, लेकिन अचानक से जो है वो जेसीबी को हटा दिया गया और इस कार्य को रोक दिया गया है। फिलहाल इस बारे में जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जो डिमोलिशन ड्राइव चल रही थी यहाँ पर आज सुबह से, जो एरिया का दावा है कि ये लैंड उनकी और ये गल लीगली यहाँ पर बनाया गया है, जेसीबी मशीन्स को फिलहाल पीछे हटा दिया गया है। सुरक्षा बल, सिक्योरिटी फोर्सेस जितने भी हैं वो फिलहाल यहाँ पर पूरे तरीके से मौजूद हैं। हाँ जी, कोई नहीं।
बंद हो गया चलो तो दर्शक पूछ रहे हैं कि ये कौन सी जगह है, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, ये रूपनगर का सेक्टर 6 है, जहाँ पर आज सुबह ही JDA की ओर से अधिकारी आए हैं और ये कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। ये जो घर आप देख रहे हैं इस समय, इस पर पीला पंजा चला दिया गया है और कहा जा रहा है ये घर इलीगली बनाया गया, लेकिन यहाँ के लोग जो परिवार वाले हैं उन सभी का ये कहना है अगर ये घर इलीगल था तो हम तो यहाँ पर काफ़ी सालों से, लगभग 80 सालों से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तब क्यों ये जो है वो जानकारी नहीं दी गई थी। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है JDA की ओर से और सुरक्षा बलों को भी यहाँ तैनात किया गया है। इस डिमोलिशन ड्राइव को चलाया जा रहा था और परिवार वालों को मैं आपको सिचुएशन बता दूं कि परिवार में से एक लेडी है जो कि इस समय प्रेग्नेंट है और साथ में दूसरे व्यक्ति जो थे इस घर के उन्हें कैंसर है। फिलहाल जिन व्यक्ति को कैंसर था उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी, जिस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज में हरकत में आते हुए उन्हें यहाँ से हॉस्पिटल रेफ़र करने के लिए जो है वो ले गए हैं और उनको फ़िलहाल इस समय हॉस्पिटल ले जाया गया है। और इस घर की बात करूँ तो ये फ्रंट पोर्शन है और अगर इसके बैक एरिया पे मैं जाऊँ तो बैक एरिया पे फ़िलहाल पीला पंजा चला दिया गया है और ये कुछ मंज़र यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि ये 4-5 दिन का समय भी नहीं दिया गया कि हम कुछ उस चीज़ का हल ही निकाल लेते, बल्कि उसके बजाय जो है वो इन्हें यूं इस तरह सामान बाहर निकालना पड़ा और ये पूरे घर का सामान इस समय इन लोगों के घर के बाहर है। फिलहाल ये जो सिचुएशंस यहाँ पर बनाई गई थी उस चीज़ को देखते हुए कि परिवार वाले लोग जो हैं वो इनकी सिचुएशन सही नहीं थी, उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर लगातार जो सिचुएशन ख़राब होती नज़र आ रही थी अधिकारियों को, जो अधिकारियों ने यहाँ से JCB हटा दी है। इस डिमोलिशन ड्राइव को अभी रोक दिया गया है, हालाँकि ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि कुछ समय के लिए रोका गया है या अब इस एरिया को, इस घर को जो है वो डिमोलिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये परिवार वाले सदस्य लगातार रोकने पर लगे हुए थे, लेकिन के बावजूद भी JCB चल चुकी है। एक बार फिर से आपको उसी जगह पर लेके जाती हूँ जहाँ से इस समय दीवार तोड़ दी गई है, इस घर की दीवार को गिरा दिया गया है और जिस समय यहाँ पर JCB आई है और तब से ही घर परिवार वाले जो है वो पुकार रहे थे, बार बार अपील कर रहे थे कि ये डिमोलिशन ड्राइव नहीं की जाए, उसके बावजूद भी की गई है। ये कुछ तस्वीरें आप लोग यहाँ से देखेंगे, इनके घर का ये पोर्शन है जहाँ पर दीवारों पर जो है वो JCB चलाई गई है, कांच वगैरह टूट गया है, खिड़कियां जो है पूरी तरह से गिर गई है। ये भी इन लोगों के घर का पोर्शन था जिसे तो पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी
ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर इस डिमोलिशन ड्राइव को अभी रोक दिया गया है, हालांकि कुछ समय के लिए है या बिल्कुल ही रोक दिया गया है। इस बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जो कुछ मंजर देखने को मिला है, आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से परिवार वाले यहाँ पर गिड़गिड़ाते हुए नजर आए कि अगर कुछ दिन की मोहलत दे दी जाए तो शायद ये अपना कहीं गुजर बसर करने के लिए कोई इंतज़ाम भी कर ले। हर एक परिवार वालों की आंखों में आंसू थे और अधिकारियों के आगे हाथ जुड़े हुए थे, लेकिन सुरक्षा बलों को यहाँ तैनात किया गया है, जिस वजह से उन्हें बार बार पीछे कर दिया गया। उनकी कहीं ना कहीं उन्हें आवाज़ जो है वो दबाने की कोशिश की, लेकिन इस तरह से जहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी एक घर बनाने में एक व्यक्ति लगा देता है और अगर चंद मिनटों में ही वो गिर जाए, वो मकान गिर जाए, तो क्या कुछ बीतती है ये सोचकर भी वो मंजर जो है वो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, कितना दिल दहलता है। तो जिनका ये घर था, जिन्होंने ये मेहनत की थी, उनके साथ क्या बीती होगी। आप लोगों ने पूरे विजुअल्स देखे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।